नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। इस वक्त मैं हिलसा में मौजूद हूं और हमारे पीछे जो आप हुजूम देख रहे हैं लोगों का, ये सभी एलजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज हिलसा में एलजेपी की बूथ कमेटी लेवल की बैठक थी, जिसमें इस बात पे चर्चा हो रही थी कि आखिर आने वाला विधानसभा चुनाव को कैसे फतह किया जाए। इस बैठक के दौरान सभी लोगों ने डॉक्टर रंजीत सिंह पर भरोसा जताया और इसके साथ ही डॉक्टर रंजीत सिंह ने इन्हें जीत का मंत्र भी दिया। हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह जी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपसे मेरा पहला और बहुत तीखा सवाल है ये कि आखिर आप इतने दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है कि सब कुछ होते हुए डॉक्टर रंजीत पिछड़ जा रहे हैं, जबकि आप स्थानीय हैं, आप सब कुछ है आपके पास, फिर भी दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पर साथी हैं, सबका बहुत सहयोग मिलते रहा है। पिछला जो मैं चुनाव यहाँ लड़ा था, हमारी पत्नी यहाँ से एमएलए की उम्मीदवार थी, दीपिका कुमारी, और मैं उसके पूर्व में एमएलसी का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में मैं 200 वोट से हार गया था। उस समय चूंकि मैं एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार था, लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर एनडीए गठबंधन के तहत उम्मीदवार था। सवाल दूसरा यह है कि जो गठबंधन का स्वरूप था यहाँ महागठबंधन में, अभी वर्तमान में जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, लालू यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव जी और कांग्रेस, ये तीन पार्टियों का उधर का अलायंस था। और मैंने अभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कई बिंदु पर विस्तृत चर्चा किया हूँ कि जब उम्मीदवार अचानक किसी बड़े दल से आ जाते हैं, उनके बारे में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वोट अपने नेता के कहने पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेरे साथ भी दिक्कत हुई था, चूँकि जहाँ हम जिस दल से हैं, उस दल का आधार उस समय इतना सशक्त नहीं था जितना आज आप देख रहे हैं। आज निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन उस समय इस लेवल तक हम लोग ग्राउंड स्तर पर काम नहीं किए थे, एक बूथ पर काम नहीं किए थे, कुछ कमी तो रहा हम लोगों में भी निश्चित रूप से। और महागठबंधन का पूरे बिहार में जीत हुआ था। मतलब आप कह रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल उल्टा होने वाला है? देखिए, अभी उम्मीदवारी का कोई चर्चा हम लोगों ने आज की मीटिंग में किया नहीं है। हम लोगों ने बूथ कमेटी को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे इंटैक्ट बनाया जाए, इस पर हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने साथियों के साथ डिस्कस किया है। और इस टाइप का बैठक चारों प्रखंड में अलग अलग तरीके से, मैं परवलपुर में भी करूंगा, थरथरी में भी करूंगा, किराए प्रसराय में करूंगा, नगर निगम का भी एक अलग बैठक होगा। तो ये हमारे एक प्रखंड के सब साथी थे और इन लोगों ने कोरोना काल में बहुत मजबूती के साथ अपने अपने गांव में बूथ कमेटी का निर्माण किया है, समस्या को चिन्हित किया है। इनके साथ हम तमाम जगह पर घूमे हैं और इस बार अभी क्या गठबंधन का स्वरूप होगा, ये कौन उम्मीदवार होगा, ये तय करना अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का काम है। हम लोग को काम है जमीन पर पूरी मुस्तैदी पूरी मजबूती के साथ काम करें, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा को बुलंद करें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित कर रहे थे, उस दौरान आपका दर्द छलका, वो दर्द था कि हम हिलसा के लिए आज तक हमको काम करने का मौका नहीं मिला, हिलसा में पार्क नहीं होने का दर्द है आपके अंदर हिलसा में, और आप बता रहे थे कुछ चीज़ के बारे में कि वो नहीं है, स्कूल नहीं है 10+2, तो इन सब चीज़ों का दर्द छलका। आखिर कोई ऐसा नेता जो इतना सोचता हो अपने क्षेत्र के बारे में और फिर उसे मौका ना मिले, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए आप किस तरह कमर कस रहे हैं कि आपका ये दर्द जो है, दुख जो है, आगे ना आपको झेलना पड़े। देखिए, लोकतंत्र में वोट के मालिक जनता होते हैं, हम लोग उनको उनसे कनेक्ट होने का काम पूरी मजबूती के साथ करते हैं और हम लोक जनशक्ति पार्टी के ही राजनीति यहाँ करते रहे। 2005 में मैं चुनाव लड़ा, एमएलसी का चुनाव लड़ा, 2015 का चुनाव लड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले जो रामविलास पासवान जी थे, हमारे आदरणीय गार्जियन, उन्होंने हमको बहुत मौका भी दिया और इस बार भी
हम जिस नेता के साथ काम कर रहे हैं उनका एक विजन, एक सोच जो है बिहार के बारे में, वह निश्चित रूप से बहुत बड़े कैनवस पर, बड़े फ्रेम पर उनका रचना करना है और उनके पास अभी समय है, काफ़ी ऊर्जावान नेता हैं हमारे। रहा सवाल कि हिलसा में, हिलसा में 90 में जब लालू जी यहाँ पर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जीत के आए थे यहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से, तो हम लोग बैनर ले गए थे, हाथ में बैनर टांग के वहाँ तक गए थे और कहते थे कि हिलसा को जिला बनाया जाए। आप देखिएगा कि बगल में शेखपुरा जिला है, दो विधानसभा का, इस 7 बड़ा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो इसमें जिला का जो मांग हम लोग का है, जिला का पूरा मापदंड हिलसा तय करती है। इस में यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, यहाँ पर सिविल SDO बैठते हैं, सारा कुछ जो भी थाना है, अच्छे कॉलेज हैं, कुछ और कॉलेज बनना है, तो जिला का मापदंड हिलसा फुलफिल करता है। मेरा मानना है कि जब जिला बन जाएगा तो आप समझ लीजिए कि जो बृहद हिलसा का जो कल्पना है हमारे दिमाग में, वह सब चीज़ बन जाएगा। आप देखिएगा अभी पूर्वी पश्चिमी हिलसा का बहुत जाम का समस्या था, अभी हिलसा से पश्चिम में मोटा मोटी बाईपास का उद्घाटन होना, लगभग काम पूरा हो चुका है, पूरब में बनना है, तो हम गिनाने चलेंगे सैकड़ों काम मेरे दिमाग में है। और हर बूथ का समस्या, इस बार तो हम लोगों ने बैठ के कोरोना काल में 2 महीना यहाँ बैठे हैं, हम कैंप लगा के एक एक जगह का एक एक आदमी से हाथ गोड़ जोड़ के कि आप लोग सजग हो जाइए। आपने कहा कि हार क्यों जाते हैं, तो मैंने सीधा सीधा एक बात आपको बताया कि जो अलायंस का स्वरूप ऐसा था और हमारे साथी भी इस लेवल तक हम लोगों ने तैयार, पिछले बार ईमानदारी से मैं कहूँ तो इस स्तर पर हमारी तैयारी नहीं थी, और इस बार पिछले 5 साल से आप समझिए अनवरत, मतलब समझिए साल का कम से कम 150 दिन मैं हिलसा में बैठा हूँ और यहीं पर बैठा हूँ, और सब साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पर बैठिए, आप अपनी समस्या को रखिए। अरे हमको किसी भी पदाधिकारी को फ़ोन लगाने में हमको कोई दिक्कत है नहीं, आपकी समस्या को कहने में कोई दिक्कत है नहीं, काम ना करना करना उनके अधिकार क्षेत्र में, और आपका जहाँ जेन्युइन समस्या होगा, इतना आदमी हम लोग किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर 1 सेकंड में बैठ जाएंगे, जब हमारी ताकत रहेगी कार्यकर्ताओं का, हमारा संगठन मजबूत होगा, तो समस्या का समाधान भी होगा। आपने कहा कि हम अपने विरोधी के कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी ना लूँगा, मैं आपको नाम लेने नहीं कहता हूँ उनका, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनका 5 साल के कामकाज का आकलन आप कैसे करेंगे, क्या उन्होंने हिलसा की जनता के लिए ईमानदारी से काम किया या नहीं? देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि विरोध में वो थे, उनसे मैं चुनाव हारा, लेकिन मैं उनके कार्यक्रम के बारे में क्या बतलाऊं, आप हिलसा में किसी आदमी से पूछ लीजिए, चलते फिरते आप चूँकि मीडिया के साथी हैं, आप किसी से फीडबैक ले लीजिए, यहाँ पर जितने साथी उपस्थित हैं, क्या आप लोग को लगता है कि आपके गांव में पिछला 5 साल में कोई विकास ठीक से हुआ है? ना, कुछ ना। मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँगा आप इसी तरीके से किसी गांव में चले जाइए। देखिए, विधायक का कर्तव्य क्या होता है कि आपको वोट जो दिया उसके भी मालिक हैं, वोट नहीं दिया उसके भी आप विधायक। यह बात जब आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा कि जो व्यक्ति ने हमको वोट नहीं दिया वो कोई दूसरा विधायक, तो मैं हार गया तो मेरे पास तो आएगा नहीं, जो जीता हुआ आदमी उसके पास अगर आप वोट नहीं भी दिए हैं तो उनका फर्ज बनता है कि आप उनका काम कम से कम कर दीजिए। आपको एक संवैधानिक पद मिला है, एक अधिकार मिला है, उस पद अधिकार और पद का उपयोग करिए। जैसे आप मान के चलिए कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो जो उनको वोट दिए हैं उनके भी प्रधानमंत्री हैं, जो वोट नहीं दिए उनके भी प्रधानमंत्री हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। नीचे के स्तर पर विधायक को, मुखिया को, इन सब लोगों को भी समझने का ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनका कोई चर्चा नहीं करूँगा, उनके किसी सवाल पर मैं प्रश्न चिन्ह क्या लगाऊँ। आप जब घूमेंगे क्षेत्र में तो आपको खुद दिखाई देगा, यहाँ पर सारे जमात के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं कि लोक जनशक्ति पार्टी के सिर्फ ये बाबू साहब हैं, ये ब्रह्मर्षि समाज से हैं, कोई कुर्मी हैं, कोई पासवान है, मतलब कोई आप देखेंगे 3-3 पंचायत में एक ठाकुर हैं, एक हमारे के यहाँ बिल्दार हैं, ऐसे लोग ज्वाइन किए हैं आज। तो हमारा कहना है कि जब समस्या का समाधान होता तो आज निश्चित रूप से उनके पास जाते, हमारे पास आने की आवश्यकता कम होती। तो हमको जिस तरह से आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की परिकल्पना पेश की, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सुन करके। ठीक है, मैं
पहले भी सुना था, लेकिन आपके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने उसको बहुत बढ़िया से समझाया। सबसे बड़ी बात तो ये, तो क्या आपको लगता है कि ये परिकल्पना के साथ हिलसा की जनता इस बार आपको विधानसभा जरूर पहुँचाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये हम लोग के लिए मुद्दा नहीं है, ये हम लोग का एक विजन है, इसके साथ हम लोग जिएंगे और मरेंगे। ये एक दिन का, एक साल का, पाँच साल का कल्पना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का नहीं है, उनके भगवान करे अभी उनका आयु सैकड़ों साल हो, और हम लोग के जीवन काल में यह निश्चित रूप से उनको जब अगर समय मिलेगा तो मैं आपको आपके रेड नेटवर्क के माध्यम से बिहार के जनता से कहना चाहता हूँ कि इसको हम लोग ज़मीन पर इसको सफलतापूर्वक इसको लागू कराएंगे, इसको एकदम मजबूती से अमली जामा पहनाएंगे। आप हमारा नेता का सोच सिर्फ नहीं है, उनका प्राण और आत्मा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में बस गया है, और हम लोग के भी दिलो दिमाग में वह स्लोगन छाया हुआ है। तो एक तो वह पूरे बिहार का कल्पना है, उसके साथ साथ हम लोग अपने क्षेत्र में जहाँ हम लोग को अगर मौका मिलेगा, अगर पार्टी ने हमको मान के चलिए कि मौका देने का काम किया, टिकट दे दिया, चुनाव हम लड़ गए, नहीं दिया तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर टिकट दिया तो हम लड़ गए, तो निश्चित रूप से इस नारा को और भी बहुत मजबूती से बुलंद आवाज के साथ इसको हिलसा नहीं, इसको बिहार नहीं पूरा देश में ये नारा गूंजने का काम करेगा, ऐसा हम लोग इसको वातावरण इसके लिए तैयार करेंगे। नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी, आपका रेड नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मीटिंग में हिस्सा आए, और बहुत तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं कि आप यहां पर आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी हुआ, हमारे सारे कार्यकर्ता आपसे बहुत खुश हैं। तो ये थे डॉक्टर रंजीत सिंह, जिनका कहना था कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, LJP के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये एक विजन है, और इस विज़न को सिर्फ हिलसा की धरती पे उतारना नहीं है, बल्कि बिहार की धरती पर उतारकर बिहार को स्वर्ग बनाना है, उसे गौरवशाली बिहार बनाना है। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, हिलसा।